विपक्ष के तौर पर राजस्थान फेलियर रही बीजेपी, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ, मात्र गवर्नर हाउस जाके कागज पकड़ा देना, रोष प्रकट करना, एसडीओ को कागज पकड़ा देने के अलावा बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाई, ये मैं साफ तौर से कहता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप जनता दुखी है। जनता के सुख दुख में कोई विपक्ष का, बीजेपी का आदमी का कोई रोल नहीं रहा। या बिजली पानी की इतनी प्रॉब्लम है, देखो बंटा डाल करना हो तो सतीश पूनिया जी को बना दो, आखिर एक्सटेंशन दे दो, और बंटा डाल नहीं करना हो, राज लेना हो तो वसुंधरा जी को देना पड़ेगा। कोई भी हमारे राजस्थान में बड़े बड़े मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिनका राजस्थान की जमीन के बारे में, धरती के बारे में, लोगों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सब आते हैं, कोई अजमेर आके रुक जाता है, कोई जोधपुर का रहने वाला है तो जोधपुर तक जानता है, कोई बीकानेर का रहने वाला तो बीकानेर तक जानता है। तो सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि जो नेता बनना चाहता है, वो तो सीधा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता जाए भाड़ में, तो कोई जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रहा किसे भी जाने। और वसुंधरा एक ऐसी है कि जो सबके हितों को, वसुंधरा यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी जानती है, वसुंधरा यहाँ की समस्याओं को भी जानती है, सोल्व करना भी जानती है, विजनरी महिला है, उसको सारी कानून कायदे सब जानती है, अनुभवी के साथ साथ राज चलाने का भी बहुत बड़ा अनुभव है।